मेरे प्यारे दोस्तों, अभी देखिए मैं भी थोड़ी ही देर में यहाँ से निकल रहा हूँ और अब हम जंगल में जा रहे हैं, मतलब खेतों में जा रहे हैं और वहाँ पर हम खाना पीना खाने वाले हैं। मेरे साथ में मेरी बीवी और मेरी बच्ची भी है, तो ये पूरी तरीके से फैमिली ब्लॉग होने वाला है दोस्तों। तो आप मेरे ब्लॉग को देखिएगा ज़रूर और वैसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, चलिए। तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे अपने चैनल टिकू मोटोलॉग्स में। और आज हम थोड़ा सा घूमने के लिए निकले हैं, संडे है और वैसे भी टाइम था मेरे पास में, तो सोचा कि चलो एक शॉर्ट राइड करते हैं। और एक्चुअली शॉर्ट राइड के साथ में ये एक फैमिली लॉग भी होने वाला है दोस्तों। तो फैमिली लॉग मतलब ऐसा है कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको सब नज़ारे दिखाऊंगा। और मेरा जो पिलियन सीट है, तो मेरे पिलियन सीट पे मेरी बीवी भी बैठी है, तो हम दोनों साथ में जा रहे हैं। और जहाँ पर हम जा रहे हैं ना, तो वो जो है तो एक अपना दोस्त है, दोस्त का एक छोटा सा फार्म है, तो उस फार्म पर हम जाएंगे और वहाँ पर हम जो है खाने का स्वाद लेने वाले दोस्तों। हमने एक एक छोटा सा गांव था, वो उस गांव को मैंने पास कर लिया है। ये रास्ते यार बहुत ही ख़राब होने की वजह से मैं बहुत मतलब कम स्पीड पर गाड़ी यहाँ से चला रहा हूँ। अभी देखिए ये जो रास्ता है, अभी ये थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है मुझे, लेकिन देखिए अभी थोड़ा सा आते ही ये फिर से खड्डे आ गए। देखिए उनकी जान जा चुकी है। अभी देखिए खड्डा होने की वजह से भाई स्पीड में आ रहे हैं, तो उनको ये खड्डे की वजह से रॉन्ग साइड घुसना पड़ा। अगर मैं यहाँ से स्पीड में होता तो मुझे भी कंट्रोल नहीं होता। अभी देखिए खड्डे की वजह से मैं इस बाजू से गाड़ी ले रहा हूँ। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब तो सफ़र का मज़ा हम उठाएंगे ज़रूर और ये ब्लॉक को हम कंटिन्यूस करेंगे। थोड़ा सा सड़क करा टाकर करा करके जो गाँव है वो पास होने के बाद में हमको थोड़ा सा अच्छा सा रास्ता मिल जाएगा। और हमको जहाँ पर जाना है तो ऑलरेडी वी आर लेट। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
सारंग खेड़ा से गुजर रहे हैं। और ये जो है ऊपर की तरफ ये मंदिर की दीवार है, ये है छोटा सा मंदिर, ये बहुत ही बड़ा मंदिर है। और अभी एक्चुअली अगर देखा जाए तो सारंग खेड़ा में भी फेस्टिवल था, तो कुछ कारणों की वजह से, ये पैंडेमिक की वजह से नहीं हुआ यार। ये देखिए भाई अपना फेवरेट, ये स्टॉल लग चुके हैं यहाँ पर, फिर भी स्टॉल लगा दिए यार। ये है अभी तो ये थोड़ी थोड़ी है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है फेस्टिवल, इसके वजह से ये थोड़ा थोड़ा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, अब हम ये जो है सारंगखेड़ा के पुल को मैं पास कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हो नज़ारा, ये देखिए दोस्तों, ये है मेरे पिलियन, मेरे पीछे बैठा है पिलियन सीट पर मेरी बीवी बैठी है दोस्तों। और हम अभी ये नज़ारा लेते हुए जा रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों। देखिए आप देख सकते हो, ये देखिए मेरे पीछे, तो ये नज़ारा आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया सा नज़ारा है। तो इसलिए मैंने ये जो है राइडिंग का जो पोस्चर है आपको दिखाने की कोशिश की है, आप ये देख सकते हो, इसमें भी मैं दिखाई दे रहा हूँ राइडिंग करते हुए। तो मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए ये जो है मुझे आदत हो चुकी है ऐसी राइडिंग की, लेकिन आप अपने घर पर या तो फिर आप जब चलेंगे तो ऐसा ऐसे कार राइड मत करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है और तकलीफ वाला हो सकता है, कैन कॉज एक्सीडेंट, तो इसकी वजह से आप ये मत करिएगा। तो दोस्तों देखिए ये जो खेत है बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है यार, बहुत अच्छा सा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रुक कर थोड़ी देर रुक जाऊँ, लेकिन क्या है समय बहुत कम है। और आप ऊपर से देख सकते हो ये जो सूरज है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ढलने की ओर है अभी, लेकिन अभी तो सिर्फ 12 ही बजे होंगे। ओके तो हम बाईपास ले लेंगे, बाईपास यहाँ से पहले में सीधा जाता है गाँव में, यहाँ से रेलवे का रूल भी रखता है, रेलवे पता लगता है, लेकिन ट्रैफिक भी ज़्यादा लगेंगे, रास्ते भी बहुत गंदे हैं, तो इसकी वजह से हम यहाँ पर यहाँ से जाएंगे। अभी ये बंद हो चुका है ये टोल। ओके हम थोड़ा सा रॉन्ग साइड ले लेंगे, आप मत लीजिएगा रॉन्ग साइड, इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत कीचड़ और खड्डे हैं। ये दोंडाइचा है, ये नंदुरबार चौधरी धुरी चौधरी कह सकते इसको। तो दोस्तों ये दोंडाइचा सिटी भी मैंने पास कर दी है अभी, तो चला गया दोस्तों। तो चलिए अभी यहाँ पर चाय का ब्रेक। तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी हमने ये जो है दोंडाइचा सिटी जो है या गांव का है जो कुछ होगा, तो हमने उसको अभी पास कर दिया है। और अब हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है वो तो रहने वाला है चिमठाना, तो अब हम चिमठाना को पहुँचेंगे और फिर उसके आगे जाएंगे और फिर बात करेंगे दोस्तों। गाँव है यहाँ पर, बहुत बड़ी ज़बरदस्त मतलब यात्रा भरती है, मेला भरता है इस गांव का, यार मुझे नाम नहीं याद आ रहा, चलो देखते हैं गांव कौन सा है। तो ये गांव का नाम है विक्रम, तो ये विक्रम जो गांव है दोस्तों, ये विक्रम का मेला बहुत फेमस होता है। ये जो सीधा रास्ता जाता है चिमठाना गाँव में जाता है, और ये जो रास्ता जाता है चिमठाना बाईपास होकर जाता है। बाकी देखिए ये केले के चिप्स को हमको पूछना पड़ेगा, बहुत Darane-Rohane को ना Darane-Rohane, हाँ 3 किलोमीटर पाठ आएगा, हाँ बर अच्छा, हाँ आस है क्या, आता कहाँ है, आता बाजू में चलें चलें वो ठीक है। तो दोस्तों अभी देखिए ये जो है हम इस गांव के तरफ मतलब लग चुके हैं, और ये जो लाइफ है बहुत ही बेहतरीन लाइफ है यार, ये तो ऐसे मतलब आते जाते रहते। अब हम ये जो है Darane-Rohane करके जो फाटा है हम वहां पर लग चुके हैं, और ये आप देख सकते हो, मैं आपको ये जो है मेरा जो एरियल व्यू जो है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए देखिए यार,
तो वैसा व्यू है। तो दोस्तों ये देखिए मैं जो यहाँ पर बुलेट चला रहा हूँ, आप मेरे पीछे या तो फिर आगे पीछे ये सब नज़ारे देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छे नज़ारे हैं। ये हम गांव की तरफ घुस चुके हैं, अभी दराने रोहाने करके गांव है, इसको दराने लोकल लैंग्वेज में दराने रोहाने कहते हैं इसको। देखिए ओके दराने रोहाने 1-1 किलोमीटर दोनों, मतलब ये दो गांव होते हुए 1-1 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। ये देखिए ये भेड़ बकरियां है, वाह ये देखिए ये भेड़ बकरियां है। ये गांव में आते ही मस्त लगता है, अभी कभी कभी लगता है कि इनके सामने में घूमूं। तो दोस्तों आप देखिए ये जो एंगल है, मैं आपको अलग अलग तरीके से एंगल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन आते हैं एंगल्स, बहुत मज़ा आता है दोस्तों ऐसा आने में। ये कुछ स्कूल के सामान रख रही है यहाँ पर, ये भी ना बात मैं देख रहा हूँ ना आपको, गुड गुड वेरी नाइस। ये देखिए बुलेट कार्ड सामने से आ रहा है, बैलगाड़ी आ रही यार। ये ना इन रास्तों पर ना बहुत संभाल कर चलना पड़ता है मुझे, क्योंकि ना नहीं तो ना बहुत तकलीफ हो जाती है। रास्ता मिल जाए तो बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी भाई मेरे प्यारे दोस्तों। ओए अरे 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 बाबा 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 जरा संभाल के दादा, अरे मेरे भाई रास्ता दे दो यार गरीब को। चलो भाई, ये जो भेड़ बकरियां होती है ये बहुत समझदार होती है, तो वो जो है बहुत समझदार होते हैं। अब ये सवाई मुक्ति करके क्या है पता नहीं, ये देखिए। चलिए ये लीजिए मेरा एंगल आगे से, आपको भी मजा आएगा और मेरे को भी मजा आएगा। ये है दोस्तों सफर का मजा लूटने का जो ये है, तो ये इसको असली मजा कहते हैं। आप देखिए ये आपको भी मजा आएगा। चलो अब हम गांव में एंट्री करते हैं। अरे यार ये दराने-रोहाने करके गांव है, ये ऐसा गांव है भाई, ये गांव कौन सा है, दराने का रोहाने है। ओके ये दराने है, और फिर कहां पर जाना है, ये है दोस्तों गांव का नजारा बहुत ही बेहतरीन। मुझे आज तक लगा ही नहीं था दोस्तों कि ये गांव इतना बड़ा होगा, ऐसा बाहर से हाईवे से देखता था मैं इतने सालों से, मतलब पहली बार इस गांव में एंट्री किया हूँ, तो ऐसा लगता नहीं था कि गांव इतना बड़ा होगा ऐसा। तो आखिर में दोस्तों अब हम यहाँ पर पहुँच गए और हमारी डेस्टिनेशन पर हम आ चुके हैं, तो चलिए अभी थोड़ी देर के बाद में हम आपसे बातें करेंगे, ठीक है।